अब पुलिसमैन बनेंगे आयुष्मान खुराना। इस शहर में चल रही है शूटिंग। साल 2018 आयुष्मान खुराना के लिए काफी खास रहा। इस दौरान आयुष्मान के अंधाधुंध और बधाई हो बड़ी हिट साबित हुई। दोनों फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई की। इस दौरान दर्शकों और फिल्म क्रिटिक्स ने आयुष्मान के काम की काफी तारीफ की। खबर है कि अब आयुष्मान खुराना डायरेक्टर अनुभव सिन्हा के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म का टाइटल क्या होगा ये अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन लखनऊ में इसकी शूटिंग शुरू कर दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार वो फिल्म में एक पुलिसमैन का रोल निभा रहे हैं। बता दें कि ये पहली बार होगा जब आयुष्मान किसी पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे। आयुष्मान ने कई तरह के रोल अपने करियर में निभाए हैं, लेकिन अब देखना होगा कि उनका कॉप वाला लुक दर्शकों को पसंद आता है या नहीं। फिल्म के स्टार कास्ट में आयुष्मान के अलावा और कौन होगा इसका भी अभी तक कुछ खुलासा नहीं हुआ है। बता दें कि अनुभव सिन्हा ने इससे पहले मुल्क फिल्म का निर्देशन किया था, जिसमें तापसी पन्नू, ऋषि कपूर, प्रतीक बब्बर, रजत कपूर जैसे एक्टर्स नजर आए थे। फिल्म को क्रिटिक्स ने काफी सराहा था। फिल्म की कहानी बनारस पर आधारित थी। इसके अलावा आयुष्मान खुराना के अगर वर्क फ्रेंड की बात की जाए तो ड्रीम गर्ल में भी वो नजर आएंगे, जिसमें नुसरत भरूचा को उनके लव इंटरेस्ट के रूप में दिखाया जाएगा। कहानी की बात करें तो आयुष्मान रामलीला में सीता का रोल निभाते हुए भी दिखेंगे। ये कॉमेडी ड्रामा फिल्म होगी। इसका निर्देशन राज शांडिल्या कर रहे हैं। फिल्म का निर्माण बालाजी मोशन पिक्चर्स के बैनर तले किया जा रहा है। ये इसी साल सितंबर में रिलीज हो सकती है। आयुष्मान के करियर ग्राफ को देखें तो ऐसा लगता है कि उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं, जिसका वो भरपूर फायदा उठा रहे हैं, और टैलेंट पे तो उनके शक किया भी नहीं जा सकता।